मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल आई ऑलवेज होप फॉर योर बेस्ट बिफोर स्टार्टिंग आर टूडेज क्लास ऑफ इंग्लिश लेट एस सीक द ब्लेसिंग्स ऑफ एलमाइटी बिकॉज ही इज द ओनली वन हु कैन गिव अर स्ट्रेंथ टू लुक फॉर समथिंग पॉजिटिव इन एवरी डे हर दिन में कुछ अच्छा देखने की शक्ति हमें सिर्फ गॉड ही दे सकते हैं तो चलिए हम अपनी प्रेयर करते हैं सो जॉइन योर हैंड्स एंड स्टार्ट रिसाइटिंग द प्रेयर Trove books chapter number four singular and plural. Singular plural. Okay? Chapter number four given on page number 25. But before starting the chapter, we should learn what is singular and what is plural. So let us do this through an activity. Observe carefully and try to learn also. Okay. देखिए मैं आपके लिए कितना कुछ लेकर आई हूं सी वन बॉक्स ऑफ क्रेन एंड आर टू बॉक्सेस ऑफ क्रेजर यूज करते हैं आप वन इरेजर एंड दीज आर वन टू एंड थ्री थ्री इरेजर्स बिस्किट्स वन पैकेट ऑफ बिस्किट एंड दीज आर वन टू थ्री एंड फोर पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स ठीक है नाउ सी हेयर इज वन की इन दिस कीरिंग एंड हेयर आर वन टू एंड थ्री कीज आर इन दिस केयरिंग इसमें थ्री कीज है अब ये सारी चीजें वन हैं ये सारी वन से ज्यादा है है नारी ना? वन से ज्यादा है तो जो चीजें वन है उनको हम क्या बोलते हैं देखिए सिंगुलर क्या है वो सिंगुलर हैं ठीक है ठीके? और जो चीज़ें वन से ज्यादा हैं उनको हम क्या बोलते हैं प्लूरल क्या है वो प्लूरल सिंगुलर एंड प्लूरल यानी जो चीज़ वन है नंबर में वो है सिंगुलर और जो चीज़ वन से ज़्यादा है वो है प्लूरल ओके इसका मतलब बच्चे जो चीज़ वन है नंबर में वो क्या है सिंगुलर और जो वन से ज़्यादा है टू थ्री फोर फाइव सिक्स जितनी भी है वन से ज़्यादा है वो क्या है प्लूरल है ओके सिंगुलर मीन्स वन एंड प्लूरल मीन्स मोर देन वन ठीक है तो आपको पता लगा सिंगुलर और प्लूरल का क्या डिफरेंस है सिंगुलर मीन्स वन एंड प्लूरल मीन्स मोर देन वन अब हम सिंगुलर को प्लूरल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं ये चीज सीखेंगे वेन अ नेमिंग वर्ड इज वन इन नंबर वी एट एस और ई एस टू मेक इट प्लूरल हम एक नेमिंग वर्ड को प्लूरल कैसे कर सकते हैं उसमें एस या ई एस एड करके ठीक है अब हमें ये देखना है कि हम एस कहाँ एड करते हैं और ई एस कहाँ ऐड करते हैं इसका बहुत सिंपल सा रूल है बच्चे चलिए मैं आपको सिखाती हूँ ध्यान से देखिएगा वेन अ वर्ड इज एंडिंग विद एस डबल एस सी एच एस एच एक्स एंड क दम फ्लूरल अब आप इसको कैसे लर्न कर सकते हैं देखिए ऐसे कीजिए आपके हैंड में फाइव फिंगर्स हैं ना आप देखिए मेरे साथ करते जाइए आपको ये सभी वर्ड्स एकदम से लर्न हो जाएंगे एस डबल एस सी एच एस एच एक्स एंड ओ ठीक है ऐसे किया एस डबल एस सी एच एस एच एक्स एंड ओ जो वर्ड्स इन लेटर्स के साथ एंड होते हैं उनका प्लूरल हम कैसे बनाते हैं उन वर्ड्स में ई एस एड कर देते हैं ठीक है अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताती हूँ जिसमें हम इन वर्ड्स में ई एस एड करते हैं तो वो प्लूरल हो जाते हैं देखिए इसके एग्जाम्पल्स बस बसेस ग्लास ग्लासेस बेंच बेंचेस ब्रश ब्रशेस बॉक्स बॉक्सेस पटैटो पटेटोस ठीक है अब सिंगुलर वाले वर्ड्स देखिए इन सबके पीछे क्या है एस डबल एस सी एच एस एच एक्सेंट ओ और इनका प्लूरल हमने सेम कैसे कर दिया इनके पीछे ई एस लगा दिया ठीक है और जो बाकी वर्ड्स होते हैं उनको हम कैसे प्लूरल करते हैं उनके पास उनके साथ हम एस एड कर देते हैं ठीक है नाव स्टूडेंट्स टूडे वी विल डू पेज नंबर सेवन ऑफ आर करसिव एंड राइटिंग बुक ज्वाइनिंग ऑफ थ्री लेटर्स मैं आपको सिखा रही हूं ना कर्म राइटिंग आपकी क्लास में भी चल रही है आप भी प्रैक्टिस कर रहे हैं आज हम इसके पेज नंबर सेवन पर बुक में काम करके देखते हैं ठीक है देखिए फर्स्ट वर्ड क्या है बी आई बी बिब आप इसे कैसे लिखेंगे यहां से स्टार्ट करते हुए इस लाइन से ऊपर गए टन बी आई एंड बी है नेक्स्ट इज डी आई बी डिब कैसे लिखेंगे इसको डी मैंने आपको बताया ना हर लेटर की आपने टेल बनानी है ताकि आप उसको नेक्स्ट लेटर से ज्वाइन कर सकें इज़िली डी आई बी डेब नेक्स्ट इज निब एन मैंने आपको बताया टू कर्व लेते हैं तो हमारा एन बनता है एन आई बी निब ठीक है किड के इस तरह से ज्वाइन करेंगे हम आई एंड डी के आई डी केट ओके इस तरह से आप नेक्स्ट लाइंस को कंप्लीट करेंगे और इस पेज पर लिखने की प्रैक्टिस करेंगे ओके okay, बच्चे योर एडवाइजरी वर्क इज यू विल रिवाइज लेसन फोर ऑफ ग्रामर एंड डू पेज नंबर सेवन Of cursive strokes. That's all for the day. Take care of yourself. See you in the next video. Bye bye.